हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशमित ऑफिशियल। मैं खुशबू, मेरे पति अमित, हम दोनों मिलके बने खुशमित। मेरे पति इस ब्लॉग में नहीं दिखते हैं, पर मैं उनको हर जगह रखना चाहती हूँ। मैं उनके बिना अधूरी हूँ, मेरे चैनल का नाम उनके बिना कैसे हो सकता है, इसीलिए मैं हर जगह उनको लेकर चलती हूँ, उनका नाम ही क्यों ना हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी पर भी आप लोग जाकर देखोगे तो वहाँ भी मेरा खुशमित नाम से ही आपको मेरी आईडी दिखेगी। आज मैं आप लोग से आई हूँ कुछ बात करने के लिए, क्योंकि वेडिंग सीजन आ रहा है। वेडिंग सीजन पूरा नवंबर, दिसंबर और फिर जनवरी गैप करके फरवरी, ये सारे मंथ वेडिंग का ही होता है। तो ये वीडियो सिर्फ ब्राइड के लिए ही नहीं है, अनदर लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर स्पेशली ये वीडियो ब्राइड के लिए ही है। मैं जब अपने शादी में इतनी परेशान थी तो सोचा क्यों ना आप लोग के साथ शेयर किया जाए इस चीज़ को। तो आज का ब्लॉग में आप देखोगे आपको कि मैंने अपनी शादी की ज्वेलरी कहाँ से ली, कितने में ली और कैसे ली। बिना स्क्रिप्ट करे आप लोग इस ब्लॉग को देखना प्लीज़। मेरी शादी 6 दिसंबर 2019 में हुई थी। ये 6 दिसंबर को मेरी शादी का 3 ईयर कंप्लीट हो जाएगा, 3 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। पता ना ये कैसे गुजरा ये साल, पता ही नहीं चला। थी अगर जीवन साथी अच्छे हो ना तो 3 साल के आप 30, 60, 65 या 100 कहो बिता सकते हो। आई होप मैं उनके साथ बहुत साल बिताऊं। तो ये सब बात छोड़ते हैं, आज के टॉपिक पे आते हैं। आज की टॉपिक है वेडिंग ज्वेलरी। जब मेरी शादी हुई तो मैं बहुत परेशान थी, सभी लोग होते होंगे, क्योंकि हर ब्राइड चाहती है कि मैं अपने वेडिंग के दिन बेस्ट दिखूं, बहुत सुंदर दिखूं। हर किसी ब्राइड का एक ही सपना होता है कि उस दिन सबसे बेस्ट मैं दिखूं, होना ही चाहिए, क्योंकि वो स्पेशल डे होता है ना हर ब्राइड के लिए। तो ये वीडियो उन लड़कियों के लिए जिनकी शादी होने वाली है, बहुत हेल्प करने वाली है ये वीडियो उन लोगों के लिए। मैं अपने शादी में ज्वेलरी कहाँ से ली हूँ, कितना मिली हूँ, ये सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए और अच्छा अच्छा वीडियो आप लोग के साथ शेयर करो। तो मैं दिखाती हूँ, मैंने जब ज्वेलरी ली थी तो इस टाइप के बॉक्स में मुझे मिला था। मेरा ये लॉक टूट गया है बॉक्स का, तो ये मैं रबड़ लगाई हुई हूँ। शादी टाइम इतना भागम भाग रहता है ना कि आप अपने चीज़ को संभाल कर रख ही नहीं पाते हो। वन टू मंथ तो लग जाता है आपको सेटल होने में, पर कोई बात नहीं, टूटा है फिर भी संभाल के मैंने रखा है इसे, क्योंकि ये बहुत कीमती है मेरे लिए। तो ये इस टाइप के बॉक्स में आपको रिसीव होगी। मैंने ये लिया है पटना के, अगर जो होंगे तो मैंने ये लिया है चूड़ी मार्केट से। मैंने बहुत जगह इसे ढूंढा था, जब मेरी वेडिंग होने वाली थी तो उस टाइम 2019 में ये इस टाइप की ज्वेलरी बहुत ट्रेंड में थी। अभी भी है, अभी भी लोग इसे ही पहनना पसंद करते हैं, इसे फर्स्ट चॉइस लोग का यही है। तो इस टाइप के बॉक्स में आता है ये ज्वेलरी, आप लोग देख सकते हो। पीछे से एक पेपर लगा हुआ था जिसमें एक ब्राइड का पिक था और आगे से भी उसी टाइप का रहता है। तो इस टाइप की बॉक्स में आता है ये ज्वेलरी, मैं दिखाती हूँ एक सेकेंड। इस टाइप के पैकेजिंग में पैक करके आता है। कुछ कुछ के पैकेजिंग मेरे पास है, कुछ कुछ के पैकेजिंग खो गया है, कहाँ है पता नहीं। तो इसमें है सेकेंड, ये आप लोग देख सकते हो, ये यहाँ का जो नग है निकल गया है। मैंने ये पहना नहीं है, पर पता ना कैसे बिना यूज किए ही ये निकल गया। जब ली थी तो सब कुछ था, पर अभी नहीं है। आप लोग नज़दीक से देखो, है ना, ग्रीन कलर का स्टोन है और ये येलो वाइट येलो मिक्स टाइप का, बीच में जितना भी स्टोन है येलो कलर का है, येलो क्रीमी येलो होता है ना, पूरा डार्क येलो नहीं, क्रीमी येलो टाइप का है, आप लोग देख सकते हो। इसे पासा बोलते हैं, जो मोहम्मद सब लगाते हैं, हिंदू लोग भी लगाते हैं, इसे इस टाइप से लगाया जाता है। गाइस आप लोग देखो,
मैं अपने शादी में इसे नहीं पहनी थी, मुझे ये अच्छे नहीं लगते हैं। बहुत लोग पहनते हैं पर मुझे ये अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए मैंने इसे नहीं पहना था। मेरे पतिदेव को भी ये पसंद नहीं है। और सेकेंड में है, सेकेंड में है ये टीका। टीका का ये साइड साइड का जो था मैंने निकाल दिया है। एक सेकेंड दिखाती हूँ आप लोग को, ये इस टाइप से था, आप लोग देख सकते हो ना, इस टाइप से था। ये इस टाइप से यहाँ पर फिक्स हो जाएगा, ये इस टाइप से था, इस टाइप से बहुत प्यारा था, बहुत खूबसूरत था। ये इस टाइप से था, आप लोग देख सकते हो ना कितना प्यारा लग रहा है। तो उस समय तो मैंने ये पूरा पैक करके ही पहना था। उस टाइम भी मेरा मन था कि ये सिर्फ सिंगल ही पहनूं, पर मेरे पापा मम्मा ने बोला कि अभी नहीं ट्राई करोगे तो फिर आप कब ट्राई करोगे, क्योंकि ये आप बार बार ट्राई नहीं कर सकते हो, ये आप अपने ही वेडिंग पे ट्राई कर सकते हो। किसी और के वेडिंग पे फुल दुल्हन के टाइप लुक आएगा, इसलिए नहीं कर सकते हो। तो ये मैंने एक बार किसी और के शादी में गई थी, मैं अपने वेडिंग ज्वेलरी को एक बार और पहनी हूँ, तो किसी और के शादी में गई थी तो ये नॉर्मल था, ये पहनी थी। आप इसे इस तरह से भी यूज कर सकते हो, आप देख सकते हो बहुत अच्छे लगते हैं, एकदम ग्रीन है, पता ना कैमरा में आ नहीं पा रहा है, पर ये डार्क ग्रीन है, बहुत खूबसूरत है, डार्क ग्रीन है। और क्या था, और सबसे खूबसूरत मुझे पसंद आया था मेरा नथ, आप लोग देख सकते हो ये, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, मैंने पहना था ना अपने वेडिंग पे, ये टेढ़ा हो गया, ये अभी बाल से ससर रहा है, ये देखो अच्छी लग रही है ना, बहुत प्यारी लगती है, इतनी खूबसूरत है। आई इसके ये तीन लड़ी, चार चांद लगाने का काम कर रही थी, बहुत सारे ये नथ मैंने किसी और बॉक्स में से बहुत रिक्वेस्ट किया था हूँ भैया को कि भैया मुझे ये नथ दे दो। इसमें ना एक सिंपल सा नथ था, गोल था यार, एक थोड़ा सा ये था, तो मुझे ना ये बहुत पसंद आया था, ये तीन लड़ी। तो मैंने उस भैया को बहुत रिक्वेस्ट किया कि भैया प्लीज़ ये दे दो, मुझे दे दो। तो फिर भैया सोचे कि चलो बहुत रिक्वेस्ट कर रही है तो दे दिया जाए, तो वो मुझे ये दिए थे। तो बहुत बहुत खूबसूरत लुक आया था पहनने के बाद, अभी भी आप देख सकते हो बिना लहंगा का ही ये कितना खूबसूरत लग रहा है फेस पे, लग रहा है ना। थर्ड और क्या था, ये देखो ये रिंग कितनी खूबसूरत है ना, पैक हो गया है ना, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है। अब मैं इसे दोबारा कब यूज कर पाऊंगी पता नहीं, पर मैं ट्राई में लगी रहती हूँ कि कभी किसी और के साथ, कभी किसी के साथ मिक्स मैक्स करके पहन सकूँ। एक सेकेंड में ये आप बीच में डालोगे ना, बीच वाले फिंगर में, तो ये ज़्यादा बेटर अच्छा से आता है। देखिए एक सेकेंड, ये खूबसूरत लग रहा है ना, बहुत खूबसूरत है। ये दो मुझे मिले थे, एक और होगा या टू, ये दो मिले थे दोनों हाथ में, एक इस हाथ में एक इस हाथ में। और क्या था, ये मेरा महारानी हार कहो इसे, भाई कितना खूबसूरत लगता है, वाह आप सब देख सकते हो, नज़दीक से ही दिखा देती हूँ आप लोग को, आप लोग नज़दीक से देख सकते हो। ये पूरा ग्रीन है, ये वाइट स्टोन नहीं है, ये येलो स्टोन है, इसे और क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, पर मुझे ये येलो स्टोन है, ग्रीन स्टोन है, डार्क ग्रीन है, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन नहीं है, बस पता ना कैमरा में आप लोग को कैसा दिख रहा हो, पर ये लाइट ग्रीन नहीं है, डार्क ग्रीन है। देखो एकदम अच्छा से गला पर सेट होता है और फैल के आता है। इसके साथ एक हार और था, दिखाती हूँ आप लोग को, भैया
इस टाइप के। देख रहे हो आप लोग, बिहार बहुत सुंदर है। इतना खूबसूरती से बना हुआ है। उस गला के सेट के बाद इसे आप पहनो, बहुत खूबसूरत लगता है। आप वैसे सिंगल भी पहन सकते हो, पर डबल पहनने के बाद ना इंसान थोड़ा हेवी और हेवी लुक आता है। हेवी तो सब कुछ रहता है ये ब्राइड का, लेकिन लहंगा हेवी, चूड़ा हेवी, हर चीज़ हेवी, लेकिन उसके बाद भी और हेवी हेवी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि एक ही बार लाइफ में एक ही बार इंसान इतना सजता है। और ये कान में के कितना खूबसूरत सा है ना, देखो आप लोग, ये पीछे से बनने वाला है, ये काम का है। अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा सा नीचे आएगा से अभी। बहुत हेवी है ब्राइड, इतना हेवी अभी पहनने के बाद भी इतना हेवी ज्वेलरी कैरी कर पाती है वो ही बहुत है। तो ये सारे ज्वेलरी मैंने लिए थे पटना के चूड़ी मार्केट से। जब मेरी वेडिंग होने वाली थी ना, तो मैं ज्वेलरी को लेकर इतनी परेशान थी कि मैं क्या बताऊँ। मैं हर एक जगह सोचती, कभी उससे पूछती थी कि यार कहाँ मिला तुमको, फिर कभी उससे पूछती थी तुमको कहाँ मिला, किसी को भी पहने देख लिया तो यार अच्छा लग रहा है, कहाँ से ली होगी सोचती थी, फिर पूछने का भी कोशिश करती थी कि बता दे कोई, अगर कोई हमारे आसपास का हो तो हमें बताते थे, तो मैं वहाँ भी जाकर देखती थी अगर मेरे मनपसंद लाइक मिला नहीं मिला। बहुत परेशान हुई हूँ, तो मुझे ये चीज़ लास्ट में मिला, बहुत मुश्किल से, बहुत खोजने के बाद, फ्रेंड लोग के साथ, चाची लोग के साथ घूमने के बाद ये मुझे मिला चूड़ी मार्केट से। इस जब मैंने इसे ख़रीदा था तो इसका प्राइस था 5000। पता है किसी को ये ज़्यादा लग रहा होगा, किसी को कम भी लग रहा होगा, क्योंकि बहुत लोग जब 2019 में शादी किए होंगे, अगर वो वीडियो ये देख रहे होंगे तो उन्हें ये कम में भी मिला होगा, किसी को ज़्यादा में भी मिला होगा, पर मुझे ये चीज़ मिला 5000 में। पर अभी मैं ये फ्लिपकार्ट पे देखा मैंने कि यही चीज़ अब सेम है क्या, नहीं मुझे नहीं मालूम, मैंने मंगाया तो नहीं है, पर यही चीज़ फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, चाहे स्नैपडील पे, मैंने 3-4 ऐप देखा है, सब जगह किसी पे 3000 में, किसी पे सम 3000 के आसपास ही मिल रहा है। तो थोड़ा दुखी हुआ कि अरे यार मैं तो थका गई। पर जब आपकी वेडिंग होती है ना, जब आप अपने लिए, अपने शादी के लिए शॉपिंग करने जाते हो, तो आप ये नहीं देखते हो कि कितना महंगा है कितना सस्ता है, बस मिल जाता है ना अपने पसंद का चीज़ तो बस ले लो, फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा बस माइंड में यही रहता है। पता चला कि अभी मैंने इसे छोड़ दिया, कल आकर पूछी तो मिला ही नहीं, तो वो डिक्स कोई भी ब्राइड लेना नहीं चाहती है, तो महंगा मिले सस्ता मिले ब्राइड ले ही लेती है। तो शायद मैंने भी यही किया, शायद अभी इसका रेट घट गया होगा या पता नहीं, पर हाँ मैंने ये बहुत महंगा लिया। और बस इतना ही, कैसा लगा आज का ब्लॉग बताना ज़रूर गाइस, आप लोग का सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग बताओगे तभी मैं कुछ कर पाऊँगी, खुद से क्या क्या करूँगी पता नहीं, पर देखती हूँ आप लोग के लिए और क्या क्या वीडियो ला सकती हूँ। फिलहाल एक गुड न्यूज है, 8 दिसंबर को मेरे भाई की शादी है, यानी मेरे घर में फिर से शहनाई बजने वाली है 3 साल बाद, तो उसका भी ब्लॉग आएगा, तो उस ब्लॉग में मैं आपसे हर एक चीज़ शेयर करूँगी, कैसे बिहार में शादी होती है, सारे रीति रिवाज सब कुछ, मैं क्या क्या शॉपिंग कर रही हूँ, क्या क्या मैंने ख़रीदा है, कैसे कैसे शादी की तैयारी प्रिपरेशन चल रही है, वो सारा चीज़ आप लोग के साथ शेयर करूँगी। जो भी नए हो प्लीज़ वीडियो को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।